हाउ टू यूज़ गूगल ट्रांसलेट ऑन व्हाट्सएप। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल कर सकते हो अपने व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दो एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एक तो है दोस्तों जीबोर्ड द गूगल कीबोर्ड, ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में सेकेंड जो है वो है आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैंने दोनों को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। आपको ओपन कर लेना है दोनों एप्लीकेशन और आपको परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद में आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप पर जाने के बाद में जिस फ्रेंड से आप चैट करते हैं उसके अकाउंट पर आप चले जाइए। और यहाँ पे आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो यदि आपका गूगल कीबोर्ड इंस्टॉल्ड हो चुका है, सही काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड ऊपर पे गूगल शो करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी बैक चले जाते हैं और गूगल ट्रांसलेट जो है यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ठीक है, ये है गूगल ट्रांसलेट। तो दोस्तों गूगल ट्रांसलेट के बिल्कुल बगल में आप देख सकते हो तीन डॉट है। यदि आपको गूगल ट्रांसलेट शो नहीं कर रहा है तो ये तीन डॉट या फिर नीचे पे होगा ऊपर पे होगा, इसे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे शो करेगा गूगल ट्रांसलेट, उसे आप क्लिक कर लीजिएगा। मेरा ऊपर में शो कर रहा है क्योंकि मैंने ये सेटअप करके रखा है। तो गूगल ट्रांसलेट पे आपको क्लिक करने के बाद में ऊपर में आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन आपको दिया गया है, एक डिटेक्ट लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज। तो डिटेक्ट लैंग्वेज के जगह में आपका नेटिव लैंग्वेज यानी कि आप जो भाषा बोलते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे हिंदी बोलता हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप कैसे इंग्लिश में चैट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कि उन्होंने जो है हाउ आर यू भेजा है, ठीक है। अभी हाउ आर यू भेजा है तो आप ये तो समझ नहीं सकते कि इन्होंने क्या बताया है, ठीक है। तो आपको ये मार्क कर देना है, यहाँ पर आपको पहले तो इसे होल्ड करके रखना है और ऊपर में आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अभी ये उसने क्या भेजा है पहले वो हमें समझना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मिडल पे जो आपको एरो दिखाई दे रहा है दो, उसे आपको क्लिक करना है तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने पूछा है कि क्या हाल है, ठीक है। तो क्या हाल है पूछा है, मतलब आप कैसे हो वो पूछा है। तो इसे अभी हम हटा देते हैं फिलहाल। तो हमें पता चल चुका है कि उन्होंने हमें क्या भेजा है, वो पूछ रहा है कि हमारा हाल क्या है। तो अभी आपको बोलना है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलने के लिए आपको दोबारा से ये दो एरो बटन दिखाई दे रहा है, ये आपको फिर से आपको क्लिक करना है। तो हिंदी से इंग्लिश में अभी ट्रांसलेट होगा। तो आई एम फाइन जो है ये मैंने ट्रांसलेट करके ही भेजा है। आपको यहाँ पर भेजना है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ। तो एम ई मैं टी एच आई के ठीक एच डबल ओ एन, ठीक है, आई एम फाइन आ चुका है, देखा बहुत ही इजी है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी के साथ जो है आप यहाँ पे इंग्लिश भी लर्न कर सकेंगे और रिप्लाई भी दे सकेंगे। आई एम फाइन का मतलब होता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं ठीक हूँ इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो है हिंदी भाषा आना ज़रूरी है, आपका नेटिव भाषा आपको आना ज़रूरी है। ये जो मैं ठीक हूँ मैंने टाइप किया ये इंग्लिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है हिंदी प्रॉपर हिंदी में टाइप करके भी आप भेज सकते हो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे भेज सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आई एम फाइन भेज देना है और सेकेंड पे पूछा है कि व्हाट आर यू डूइंग, अभी इसका मतलब क्या है हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हमें गूगल कीबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, आई एम फाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हमें देखना है, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो पूछ रहा है मुझे, ठीक है, अभी मुझे पता चल गया। तो मुझे क्या करना है, फिर से यहाँ पे स्वाइप कर देना है हिंदी टू इंग्लिश। तो मैं अभी यहाँ पे आपको लिखना है कि तुम क्या कर रहे हो। तो आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बी ए आई टी एच बैठ रहा हूँ, आई एम सिटिंग इन, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्यूरेट के साथ में आ चुका है, मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भेज देना आई एम सिटिंग इन। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ जो है गूगल ट्रांसलेट और गूगल कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश सीख भी सकते हैं और आप यहाँ पे रिप्लाई कर भी सकते हैं। आपको इंग्लिश पता भी ना हो, आपको कोई सा भी लैंग्वेज पता नहीं हो, जिस किसी बंदे या बंदी के साथ भी आप जो है चैटिंग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना, टिल देन बाय।